हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। आप सबको वेलकम है एक न्यू लाइव स्ट्रीम पर। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ठीक है। सो चलिए यार स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और चलते हैं अपने लाइव स्ट्रीम पर, ठीक है। सो आज हम गेम प्ले करेंगे पीसी बिल्डिंग सिमुलेटर का। तो सबसे पहले हम ईमेल देखेंगे, ठीक है। और ईमेल में सबसे हमारा मेल जो है वो है इंस्टॉल इंटेल कोर i7 या आर बेटर, इंस्टॉल एनवीडिया जीफोर्स GTX 1080 या आर बेटर, ठीक है। अपग्रेड टू 16 GB आप रैम कंप्लीट बाय एंड ऑफ डे टुमारो, ये जो है हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरा ऑर्डर हमारे पास है डायग्नोज एंड फिक्स, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास है इंस्टॉल एनवीडिया GTX 1070 या आर बेटर, ओके, तो इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डे पर। ये हमारा ऑर्डर जो ये हमारा नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। तो चलते हैं यार अपने नेक्स्ट डे पर। सो हम अपने नेक्स्ट डे पर जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। सो गो टू वर्क पर चलते हैं। और यह आप लोग देख सकते हो हमारा 3 PC जो है वो हमारा आ चुका है, ठीक है। ये भी अपग्रेड है, ये डायग्नोज एंड फिक्स वाला है और ये भी अपग्रेड है, ओके। सो ये सबसे पहले इस PC को जो है वो हम वर्क करेंगे, ठीक है। सो ये केस आप लोग देख सकते हो, ज़बरदस्त MSI का जो है गेमिंग केस है। सो हम इसमें जो है इंस्टॉल इंटेल कोर i7 प्रोसेसर जो है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम केबल्स को डिसकनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले रिमूव केस, ओके। सो हम लिक्विड कूलर को जो है वो हम अनइंस्टॉल कर देते हैं और प्रोसेसर इसमें जो है वो इंटेल कोर i5 का है, ठीक है। सो हम जो है वो इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर जो है इसमें लगाएंगे और 7700K सीरीज़ का, ठीक है। सो हम शॉप पर जाते हैं और प्रोसेसर इधर जो है वो सर्च कर देते हैं, इंटेल कोर i7 7700K, ये आप लोग देख सकते हो ये सबसे फर्स्ट जो है ये वाला है, ठीक है। सो हम इसको एड टू कार्ट करते हैं, सेम डे डिलीवरी, ठीक है। सो ये हमारा जो है सेम डे डिलीवरी पर आ चुका है, ठीक है। सो चलते हैं अपने प्रोसेसर को जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं। ये रहा हमारा कोर i7 का प्रोसेसर और इसके ऊपर जो है हम थर्मल पेस्ट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और CPU कूलर जो है वो हम इंस्टॉल करेंगे अपनी जगह पर, ठीक है। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब और क्या है, हम फिल्टर टॉप पैनल जो है वो इंस्टॉल करेंगे, नहीं ये फैन कवर अच्छा इंस्टॉल हो चुका है। अब ये आप लोग देख सकते हो इंस्टॉल इंटेल कोर i7 जो है ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा जो है वो इंस्टॉल्ड NVIDIA GeForce GTX 1080 का ग्राफिक्स कार्ड हम जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं यार। वन मिनट गाइज। ओके गाइज। सो ये हम वायर को रिकनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, केबल्स को। और ये हमारे पास है MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G गोल्डन एडिशन का ग्राफिक कार्ड इसमें लगाए, लेकिन हमें जो इंस्टॉल करना है वो GeForce GTX 1080 का लगाना है, ठीक है, या आर बेटर लगाना है। तो हम ग्राफिक्स कार्ड पर चलते हैं और इधर सर्च कर देते हैं GeForce या चलो GTX 1080 का, ठीक है, लेकिन GeForce ज़रूरी है। सो GeForce GTX 1080 का, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ये सब 1080 का सीरीज़ है। सो हम इसमें कौन सा लगाए देखते हैं कि MSI तो इसमें लगा हुआ है। सबसे पहले इसका बजट जो है वो बजट हम देखते हैं कि इसका बजट कितना है। इसका बजट है 1050 का, ओके।
हम इसके बजट के हिसाब से भी चलेंगे, ठीक है। सो हम गीगाबाइट और जीपो GTX 1080 8G का जो है हम ए टू कार्ट कर देते और सेम डे डिलीवरी पर क्लिक कर देते, ठीक है। हमारा ग्राफिक्स कार्ड डिलीवर हो चुका है, सो हम इंस्टॉल करेंगे ग्राफिक्स कार्ड को, ये आप लोग देख सकते हो। ओके सो ये भी हमने इंस्टॉल कर लिया, ये आप लोग देख सकते हो। अपग्रेड टू 16 GB ऑफ रैम। ओके सो इसमें जो है वो 8 GB का रैम लगा हुआ है, लेकिन हम 8 GB का एक और रैम जो है वो बाय कर देते हैं। सो इसको इन्वेंटरी में लेते हैं, मेमोरी देखते हैं कौन सा वाला रैम था। अब इधर इन्वेंटरी में ये आप लोग देख सकते हो पड़ा हुआ है, सबसे पहले जो मैंने रिमूव किया था। सो इसको एटिकार्ट कर देते हैं, सेम डे डिलीवरी पर क्लिक कर देते हैं। ये हमारा रैम जो है वो डिलीवर हो चुका है। सो अब हम जो है वो रैम को इंस्टॉल कर देते हैं। ओके ये आप लोग देख सकते हो हमारा सब ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो हम पीसी को ऑन कर देते हैं, बूट कर देते हैं। पीसी कैन बूट टू ओएस, ठीक है। सो ओके सो हमारा जो है वो पीसी भी बूट हो चुका है और प्लेस इन द डिलीवरी एरिया। ओके सो हम पीसी को ऑफ कर देते हैं और इसको अपने डिलीवरी एरिया पर रख देते हैं। अब हमारे पास जो है वो डायग्नोज एंड फिक्स है। केस तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें जो है ये डस्ट आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा डस्ट है यार। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम इसको डस्ट को क्लीन कर देते हैं। ओके सो हमारा डस्ट जो है वो क्लीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब सबसे पहले हम पीसी को ऑन कर देते हैं, लेकिन ये आप लोग देख सकते हो ये पावर नहीं लेता। तो हम अपने पावर सप्लाई को चेक करेंगे, ठीक है। ये पावर ही नहीं लेता, तो देखते हैं अपने पावर सप्लाई को, शायद इसी का मसला हो, ये ब्रोकन हो। ओके सो इन्वेंटरी में देखते हैं पावर सप्लाई। ओके सो हमारा पावर सप्लाई जो है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है। सो देखते हैं फिर हमारा जो है वो मदरबोर्ड में शायद मसला होगा, देखते हैं। मदरबोर्ड को जो है वो अनइंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मदरबोर्ड में ही जो, अच्छा एक मिनट, इसमें जो है वो एयर कूलर था, अच्छा था, ओके वो मैंने अनइंस्टॉल कर लिया था। मैंने सोचा शायद इसमें एयर कूलर ही नहीं था, लेकिन था, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, रिमूव द केबल, रिमूव द, ओके ग्राफिक्स कार्ड भी, ओके सारे केबल्स हम डिसकनेक्ट कर देते हैं, आप लोग देख सकते हो। और असूस ओरस का, अच्छा ओरस का मदरबोर्ड है, देखते हैं मदरबोर्ड, आप लोग देख सकते हो ये ब्रोकन है। गीगाबाइट GAX 370 गेमिंग के 7 का मदरबोर्ड है, लेकिन ये ब्रोकन है, ठीक है। सो मदरबोर्ड इसमें हम देखते हैं, हमारे पास ये आप लोग देख सकते हो इन्वेंटरी में ब्रोकन पड़ा हुआ था, तो इधर आप लोग देख सकते हो इन्वेंटरी 1। तो इसको हमें टू कार्ट कर देते हैं, सेम डे डिलीवरी। और ये रहा हमारा ग्राफिक्स कार्ड डिलीवर हो चुका है, सो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ओके ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जो है प्रोसेसर को इंस्टॉल कर देते हैं, राइजन 5 का जो है, ये आप लोग देख सकते हो डायग्नोज फिक्स हो चुका है हमारा, ठीक है। सो थर्मल पेस्ट लगाएंगे और वाटर कूलिंग को जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं, इंस्टॉल हो चुका है। मेमोरी हम जो है वो इसमें कितना था, 16 GB का रैम था इसमें, ठीक है। सो ग्राफिक्स कार्ड को अब हम जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं। ओके ये भी हो चुका है, अब केबल्स भी हमारा हो चुका है। सो हम पीसी को जो है वो बूट कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो हमारा पीसी जो है वो बूट हो चुका है।
फ्रंट पैनल को इंस्टॉल कर देते हैं और ये एसयू पोर्ट और साइड पैनल को इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, सो ये ऑर्डर भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो हम पीसी को ऑफ कर देते हैं और अपने डिलीवरी एरिया पर रख देते हैं। ओके, सो इसमें है इंस्टॉल द नवीडिया जी फोर जी टी एक्स 1070। ओके, इसमें तो बहुत ज़्यादा कम ग्राफिक्स कार्ड जो है वो लगा हुआ है। जी फोर जी टी एक्स 1070 का हम ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे, लेकिन देखते हैं इसका बजट कितना है। इसका बजट जो है वो 520 है। ठीक है, सो हम शॉप पर जाते हैं ग्राफिक्स कार्ड और इधर सर्च कर देते हैं जी फोर्स जी टी एक्स सॉरी 1070। ओके, 520 इसका बजट है, तो हम इसको ही इंस्टॉल बाय कर देते हैं। ठीक है, ओके, ग्राफिक्स कार्ड और 1070, ये रहा हमारा ग्राफिक्स कार्ड। इसको जो है वो केस पार्ट हम रिमूव कर देते हैं। ओके, इंस्टॉल हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं इनकम्प्लीट केस, लेकिन हम पीसी को जो है वो बूट कर देते हैं सबसे पहले। ओके, सो इनकम्प्लीट, अभी भी इनकम्प्लीट केस है। अच्छा अच्छा ये पीसीआई लॉग जो है हम ओके रह गया था। सो ये भी कंप्लीट हो चुका है। सो हमारा सारे ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये न्यू बिल्ड है ओवर क्लॉक। ओके, इसको बाद में देखते हैं, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ये Core i7 प्रोसेसर वाला था, ये डायग्नोस्टिक्स वाला था। ओके, सो अब फिर से लेवल अप हमारा हो चुका है और यू आर अनलॉक्ड। ये रैम हमारा अनलॉक हो चुका है, एमडी रेडियन का जो है ये भी हमारा अनलॉक हो चुका है। ठीक है, और कोलेंट जो है वो भी हमारा अनलॉक हो चुका है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या है देखते हैं। रिप्लेस द एलईडी। ओके ओके ओके, सो गाइस यार क्या करते हैं कि न्यू पीसी जो है वो बिल्ड कर देते हैं यार। ठीक है, सो शॉप पर चलते हैं। सबसे पहले केस, ओके कौन सा केस चलेगा यार, आप लोग बताओ कौन सा केस चलेगा। ओके गाइस, देखते हैं बी क्वाइट, ये साइलेंट केस है। क्या करें यार, समझ ही नहीं आता, इतने सारे केस है, लेकिन यार सबसे महंगा वाले देखते हैं। महंगा ये रहा सबसे महंगा जो है वो $500 का है और लॉन्ग सुपर टावर जो है साइज, लेकिन आरजीबी नहीं है, आरजीबी नहीं है, फिर तो मसला है यार। आरजीबी नहीं है तो फिर तो मसला है। आरजीबी इसमें अभी देखते, ये सिल्वर स्टोन का यार क्या लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। लाइटिंग जो है वो रेड है,
साइज मिड टावर है, मदरबोर्ड जो है वो माइक्रो ATX का और S ATX का जो है वो साइज़ इसमें आता है, PSU साइज़ ATX का आता है, ठीक है। सो इसको टू कार्ट कर देते हैं यार। सुपर जो है वो सुपर, बिल्कुल सुपर से भी ऊपर हम PC अब बनाएंगे, ठीक है। और कॉलिंग बिग ये जो है इसको भी जो है यार हम टू कार्ट कर देते हैं, नेक्स्ट जो है इसको बनाएंगे, ठीक है। सो केस तो हमारे पास पड़ा रहेगा। सो सबसे पहले अब प्रोसेसर सबसे महंगा वाला देखते हैं। सो महंगा वाला ATX का यार फिल्टर भी करेंगे। ATX कौन सा सॉकेट नहीं, चिपेस्ट मल्टी GPU मैक्स रैम लाइटिंग नहीं, ये रहा फॉर्म फैक्टर जो है वो S ATX का या Micro ATX का, ठीक है। ये दोनों इसमें जो है वो फिक्स होता है। ये केस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कहाँ ये Micro ATX या S ATX, ठीक है। सो मदरबोर्ड इसमें फॉर्म फैक्टर में हम देखते हैं Micro ATX और S ATX, ओके। सो ये हमारे सारा मदरबोर्ड जो है वो आ चुका है। सो लाइटिंग रेड है इसमें, EVGA का है, ये EVGA का है, नहीं यार ये नहीं, Gigabyte का, MSI का, Asus Prime का, कौन सा लगाए, ये नहीं चलेगा ना यार, ये नहीं चलेगा। फिर भी देखते हैं लाइटिंग जो RGB हो, ये ओनली रेड है RGB, कौन सा यार समझ ही नहीं आता। अच्छा सबसे नहीं, ये माइक्रो है, माइक्रो में तो गीगाबाइट है, इसमें तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और इस S ATX में देखते हैं कि S ATX में गेमिंग 5 का, चलो यार इसको ही ट्राई कर देते हैं। सबसे महंगा वाला जो है इन्वेंटरी में, सो शॉप में हम वही सब बाय करते हैं, ठीक है। और इसमें फॉर्म फैक्टर E ATX का जो है वो सॉकेट, अच्छा सॉकेट हम इसमें देखते हैं प्रोसेसर, ठीक है। तो केबी लेक का इसमें सॉकेट आता है, ठीक है, केबी लेक का। सो हम प्रोसेसर देखते हैं, फिल्टर करेंगे सॉकेट और केबी लेक, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो इसमें Core i7 यही आता है। सो हम इसको एड टू कार्ट कर देते हैं। और CPU कूलिंग जो है हम थ्री फैन का ही ए टू कार्ड कर देते हैं। मेमोरी 32 32 32 और 32, ठीक है, चलेगा, ओके चलेगा। सो ग्राफिक कार्ड हमारे पास जो सबसे महंगा वाला है वो GigaByte और GeForce GTX 1080 Extreme Edition 8G का है, ठीक है, VRAM 8GB है। सो इसको ए टू कार्ड करते हैं। स्टोरेज हमारे पास जो है वो 1 TB का जो है हम SSD, अच्छा ये डाटा का है, ठीक है, M2 का है। और 960 GB का हम लगाएंगे क्या SSD, ठीक है। और HDD का हम लगाएंगे कौन सा, ये 4 TB का, ओके इसको भी एड टू कार्ड करते हैं। पावर सप्लाई सो हम GigaByte और उसका यही केबल्स हमारे पास है, केस भी है और केस फैन वो तो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ओके, ये हमारा टोटल बिल बनता है $4,930 का, $4,930 का। सो हम इसको एड टू कार्ट कर देते हैं। इसमें हमारा केसेस जो है वो 2 है, ठीक है। सो बाय नाउ पर क्लिक कर दिया है हमने, ये रहा हमारा PC का पार्ट्स, ठीक है, डिलीवर हो चुका है सेम डे डिलीवरी पर। अच्छा ये नहीं है, इसको इधर रख देते हैं,
और इसको इस केस को पिक कर देते, इसको इधर रख देते ये आप लोग। अच्छा ये तो वही वाला ही ना यार जो बनाया था जिसमें डस्ट बहुत ज़्यादा था, ये वही वाला है यार। ओके केस तो अच्छा है, केस में तो कोई ख़राबी नहीं है। चलो यार ओके ओके सो सबसे पहले हम मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर देते हैं। हो चुका है इंस्टॉल्ड। ओके यार ये आरजीबी नहीं है, इसमें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन चलो देखते हैं। प्रोसेसर इसमें कोर i7 का, ये हमने बाय किया था। ओके थर्मल पेस्ट भी हमने, और ये रहा ऊपर, ये इधर ही लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा। ओके सो इस केस को रिमूव कर देते हैं। ओके डन हो गया, सारे फिल्टर को दोबारा से फिट कर दे, डस्ट फिल्टर को ठीक है, फ्रंट पैनल को इंस्टॉल कर देते हैं। और अब हमें जो है वो रैम को इंस्टॉल कर देते हैं। हमने 4 RAM जो है वो 32 GB का इसमें बाई किया था, तो इसमें लगाएंगे ठीक है। ये भी RGB लाइटिंग जो है RGB का है क्यों। ओके इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जो है वो ग्राफिक्स कार्ड कौन सा गीगाबाइट और उसका हमने, ओके नीचे भी लगता है और ऊपर भी, तो हम नीचे इंस्टॉल करेंगे इन दो पैनल को। ओके इंस्टॉल्ड आप लोग देख सकते हो, और उसका सबसे महंगा वाला जो है ठीक है, इसको दोबारा PSI लॉक को दोबारा से लगाते हैं ठीक है। अब हमारे पास आता है ओके ये डन हो गया असुस इसमें। ओके पीछे से हम साइड पैनल को रिमूव कर देते हैं, और इधर HDD को इंस्टॉल कर दिया है हमने, SSD को भी इंस्टॉल कर दिया हमने, और पावर सप्लाई को, अच्छा केस पार्ट्स को अनइंस्टॉल कर देते हैं, और इसको इंस्टॉल डन हो गया है जी। ओके सो साइड पैनल को इधर, अच्छा एक मिनट, सारे केबल्स को जो है हम सारे केबल्स को डिस्कनेक्ट करो यार, ये तो बिल्कुल सिंपल वाले केबल्स है। सो हम केबल्स को जो है हम क्या करेंगे, कलर केबल्स को जो है वो इंस्टॉल करेंगे ठीक है। सो इस इधर साइड पैनल को ये रिमूव हो चुका था यार, कौन सा, अच्छा यही वाला है प्लेन। ओके ओके ये आप लोग देख सकते हो यार ज़बरदस्त, गुड हो गया जी, गुड हो गया। ओके सो एक मिनट यार, इधर SSD का केबल अच्छा लग चुका है। ओके साइड पैनल को लगा लेते हैं। PSU इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं, और PC को जो है वो बूट कर देते हैं ठीक है। हमारा PC जो है वो रेडी हो चुका है, सो हम इसको बूट कर देते हैं। सो PC को इधर से ऑन कर देते हैं, आप लोग देख सकते हो ये यार, अच्छा ये बोर्ड सही नहीं है यार, मदरबोर्ड जो है इसमें बिल्कुल कलर RGB का कलर ही नहीं है। सो ये आप लोग देख सकते हो, और रेड RGB का केस है हमारा। साइड पैनल को इंस्टॉल कर देते हैं, और इसमें देखते हैं क्या 3D रन को इंस्टॉल करेंगे, और क्या, और कुछ नहीं, हम गेमिंग देखते हैं कि इसमें गेमिंग का जो 3D मार्क स्कोर है वो कितना है ठीक है। सो अब इस PC को जो है वो बिल करेंगे, ओके गाइस ये यार क्या लग रहा है, मस्त है मस्त।
ओके यार, ओके गाइस, सो सबसे पहले तो इसको रन कर देते हैं, रन, और इन्वेंटरी में देखते हैं जितने भी हमारे पास इन्वेंटरी है उसको खाली कर देते हैं। ठीक है, ओके, स्टोरेज फॉर सप्लाई केबल स्पेस पेन। सो यार, एक पीसी मैंने बनाया था, ये आप लोग देख सकते हो, ओपन बेंच टेबल का पिकअप, इसको पिकअप करो, ये देखो यार, ये हमारा ओपन बेंच का जो है वो पीसी है। ठीक है, गुड गाइस, गुड गुड, मिनी पीसी जो है वो भी हमने बिल्ड किया था, मिनी पीसी। ठीक है, उस केस का शॉप पर जाते हैं, अपने शॉप, और केसेस कौन सा वाला था, यही वाला था, इसमें हम मदरबोर्ड मिनी आईटीएक्स, माइक्रो आईटीएक्स, एसएटीएक्स, ईएटीएक्स, अच्छा इसमें सब मदरबोर्ड जो है वो फिट हो जाते हैं। ठीक है, सो लाइटिंग वाले यार आरजीबी का देखते हैं इस बार, लाइटिंग वाला आरजीबी, इसमें पंप है एसएटीएक्स, अच्छा यही, ठीक है यार, गेमिंग के 7 GB का, ठीक है, और सॉकेट इसमें M4 है, सो प्रोसेसर हम देखते हैं कि M4, अच्छा वेरी गुड यार, AMD रेजन 7 8 कोर का प्रोसेसर इसमें आता है, सो इसको एड टू कार्ट कर देते हैं। CPU कूलिंग देखते हैं, मुश्किल है कि इसमें आ जाए, लेकिन EVGA का, और डिजिटल जो है हम इसको 2 फैंस वाला जो है वो बाय करेंगे। ठीक है, डन हो गया, अच्छा डन हो गया, अच्छा नहीं हो गया, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, सो अच्छा, मदरबोर्ड मेमोरी, मेमोरी कौन सा कौन सा, जी स्किल का थ्रेडन जो है हम इसको इंस्टॉल करेंगे, 32 GB वाला। ठीक है यार, यही लगाए, 1 2 3 4, ठीक है, ओके, ग्राफिक्स कार्ड जोटेक जी फोर्स 1080 का, 1080 का यही लगाते हैं। ठीक है, स्टोरेज वही SSD वाला, और 1 TB M2 का, ठीक है, और 4 TB का जो है हम SSD लगाएंगे, पावर सप्लाई वही GB का, केबल्स, अच्छा केबल्स को यार थोड़ा मैनेज कर देते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, प्लेन ब्लू, ओके गाइस, इसको यार सेम डे डिलीवरी पर क्लिक कर देते हैं, आप लोग देख सकते हो ये तो उससे भी ज़्यादा डॉलर में आ चुका है। ठीक है, 5,620 डॉलर में, सेम बाय नाउ पर क्लिक कर देते हो, और ये रहा हमारा डिलीवरी, ये आप लोग देख सकते हो यार, 7,216 जो है इसका ग्राफिक स्कोर है, वेरी गुड, ज़बरदस्त, ओके, इसी को यार आप कर देते हैं, और इसमें पीसी बाय ऑन पीसी बाय का ये लगा लेते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पीसी बाय का सेल, इसको हम सेल करेंगे। ठीक है, सो ओके, इस केस को इधर रख देते हैं, और सबसे पहले हम मदरबोर्ड को जो है वो लगाएंगे, ये रहा हमारा मदरबोर्ड, GB का मदरबोर्ड है, फैंस भी इसमें, ये वाला RGB, सारे RGB लगे हुए हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, प्रोसेसर रेजन 7 8 कोर का लगाएंगे, ठीक है, थर्मल पेस्ट लगाएंगे और सीपीयू कूलिंग डज नॉट फिट। मुझे पता था ये फिट नहीं होगा। शॉप सीपीयू कूलिंग और सिंपल 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 कौन सा सिंपल, सिंपल भी आरजीबी का हम लगाएंगे, ये ओके, इसको इंस्टॉल। सॉरी टू कार्ट बाय नाउ सेम डे डिलीवरी, हमारा डिलीवरी हो चुका है, सॉरी हमारा डिलीवरी नहीं हो चुका है क्या यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सीपीयू कूलिंग का डिलीवरी हो चुका है, ठीक है ओके। यार इतना बड़ा लग रहा है, क्या करें, चलो यार कोई बात नहीं, रैम्स को इंस्टॉल कर देते हैं, मेमोरी ये रहा 2 3 और ये 4 4 रैम हमने इंस्टॉल कर ली है। अब ग्राफिक्स कार्ड कहाँ पर लगाए, नीचे ऊपर नीचे लगाएंगे, ओके इंस्टॉल हो चुका है। स्टोरेज M2 का स्टोरेज इंस्टॉल हो चुका है, और HDD कहाँ पर लगाए, ये कहाँ पर लगाए, अच्छा ठीक है इधर, ओके इंस्टॉल्ड हो चुका, पावर सप्लाई इंस्टॉल्ड, ये आप लोग देख सकते हो कहाँ पर यार लगा लिया, ओके 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 ओके। अब केबल्स केस फैन सब हो चुका है, सो साइड पैनल को लगा लेते हैं, सब कनेक्ट हो चुका है। अच्छा इसको फर्स्ट पैनल को रिमूव कर दे, देखते हैं ना यार के मिसिंग केबल है क्यों। अच्छा ओके केबल्स भी कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपने पीसी को ऑन कर देते हैं, कहाँ से ऑन होता है, इधर से ऑन होता है, आप लोग देख सकते ऑन, वाओ 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 देख लो यार गाइस गाइस नॉइस फाउंड। अच्छा यार एक मिनट, USB ड्राइव तो इंस्टॉल करें, स्टार्ट यार देख लो यार देख लो देख लो, ओके सो अब हम इसमें भी 3D1 वो 7000 के ऊपर था ना इसका ग्राफिक्स स्कोर, ठीक है, और इसका देखेंगे कि इसका कितना है। यार क्या मैं सोच रहा था क्या करे के क्या करें कि कस्टम वाटर कूलिंग का जो है वो इसका पीसी हम अभी बनाएं, क्या हाल है, एक्सट्रीम जो मोस्ट एक्सट्रीम पीसी जो है वो हम अभी बनाएंगे, ठीक है ओके ना, सो चलते हैं या बनाते हैं शॉप। अच्छा अभी इन्वेंटरी में अगर कुछ है तो इसको सेल कर देते हैं, ओके केस फैन नहीं केस केसेस, ओके केसेस आ चुका है आरजीबी का कौन सा जिसमें वाटर कूलिंग जो है वो इंस्टॉल हो जाए,
ठीक है ना, तो देखते हैं। क्या करें यार, किस में फिट होगा, कौन से पीसी में फिट होगा, समझ में ही नहीं आता। मिड टावर साइज मिनिमम, फुल टावर, मिड टावर, ओपन फ्रेम, मिक्स्ड, अभी सुपर टावर नहीं, ओपन फ्रेम या मिड टावर या मैक्स, देखते हैं कौन सा। इनविन इसको ट्राई करें, सिल्वर स्टोन इसको भी ट्राई कर देते हैं। MSI में फिट नहीं होगा, और इसमें भी ट्राई कर देते हैं। सो बस यही बोते हैं यार, सेम डे डिलीवरी। सबसे पहले हम केसेस को देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा केस जो है वो ठीक रहेगा। अच्छा ये देख लो यार, दोनों सेम ही है, ठीक है, सेम 3D मार्क स्कोर और सेम ग्राफिक स्कोर जो है वो सेम ही है, तो हम इसको भी सेल पर लगा लेते हैं और अपने स्टोरेज में रख देते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ पीसी बाय में सेल, ये देख लो। ओके, सो टावर देखेंगे, ये तो बहुत छोटा है यार, इसमें वाटर कूलिंग, कस्टम वाटर कूलिंग नहीं आएगा, छोड़ देते हैं। इसमें क्या, क्या ख्याल है इसमें, ट्राई कर देते हैं इसमें, लेकिन इसमें भी मुश्किल ही है। अब इसको किधर रखे, तुम अंदर जाओ ना यार, इसमें ट्राई करें, ये भी ठीक ही और है कि नहीं। नहीं ठीक है, अब एक मिनट यार, एक मिड टावर भी ले लेते हैं, सुपर टावर फिल्टर कर देते हैं सुपर टावर को। बाय नाउ, सेम डे डिलीवरी, किधर रखेंगे पता नहीं, अच्छा ये तो यार बहुत बहुत ज़्यादा है। इसको रख देते, चलो इसको ट्राई कर देते, ठीक है। सो सबसे पहले हम चलते हैं कस्टम वाटर में, रेडिएटर हम क्या करें, ये कि
सब बाय करेंगे, ठीक है। एक दो तीन और ये चार और ये पाँच, ओके डन हो गया है। ये भी सब बाय कर देते हैं, सीपीयू ये भी जो फिट होगा वो लगाएंगे, जो नहीं होगा उसको दोबारा से सेल करेंगे, ठीक है। वाटर कूल जीपीयू ये जो है ग्राफिक्स कार्ड्स है, ठीक है। ओके पाइप्स, पाइप्स कौन सा, दोनों कनेक्टर पर्पल कॉपर ब्लैक कौन सा, चलो यही वही वाला, ठीक है। कॉनेट ये सारे ऑन है, ओके यार ये देख लो 10,920 रुपये का तो यही सामान आ चुका है, लेकिन एक बात है हमने सारे जो है वो बाई कर लिया है। ओके सो अब हम शॉप पर, अपने शॉप पर जाते हैं और क्या करेंगे कि मदरबोर्ड, क्या मदरबोर्ड असूस का यही वाला ले, असूस टफ या नहीं, यार 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 असूस यही वाला, ये आप लोग देख लो आरजीबी, अच्छा लो यही आरजीबी मेमोरी वही, ओके ग्राफिक कार्ड तो हमने बाय कर लिया था, ओके स्टोरेज भी हो चुका है, पावर सप्लाई भी हो चुका है, प्रोसेसर, अच्छा प्रोसेसर वो उसमें कौन सा प्रोसेसर आता है, कौन सा हमने बाय किया था इसमें देखते हैं, असूस प्राइम का, ओके मदरबोर्ड सर्च कर देते हैं असूस, और सॉकेट एलजीए का कॉफी लेक, सॉकेट कॉफी लेक का Core i7, ओके बाय नाउ पर क्लिक कर देते हैं, सेम डे डिलीवरी, ये हमारा चीज़ जो है वो डिलीवर हो चुका है। और सबसे पहले मदरबोर्ड का इंस्टॉल कर देते हैं, अगर नहीं आता इसमें तो फिर दूसरा पीसी जो है वो हम क्या करेंगे बाय करेंगे। रेडिएटर कहाँ पर फिट होगा देखते हैं, ऊपर रेडिएटर ऊपर देखते लेकिन मुश्किल है, ओके प्रोसेसर इंस्टॉल थर्मल पेस्ट ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा ले, सारे ही एक जैसे हैं, ओके इंस्टॉल यही है ना। अब ये मैं देख लो, ये मैं पहली दफा जो है ये बिल्ड कर रहा हूँ, तो ये अब रेडिएटर को कहाँ पर फिट करें देखते हैं, तीन अच्छा आता है यार, इधर मसला करेगा कहाँ पर, इधर मसला करेगा, अगर इधर ही रेडिएटर फिट करे नहीं ऊपर ही ठीक है, ऊपर ठीक है। अब ग्राफिक्स कार्ड को, ओके डबल ग्राफिक्स कार्ड हम इंस्टॉल करेंगे, अच्छा ये रहा वन और ये रहा टू, आप लोग देख सकते हो डबल ग्राफिक्स कार्ड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब क्या करें कि रिजर्वस यही वाला या ये वाला, ये वाला लगा लेते इधर,
यार बड़ा बड़ा नहीं है शायद उसमें, ये तो छोटा है। कस्टम वाटर कूलिंग शॉप रिजर्वस, यही है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या है कि हम जो है वो क्या करेंगे कि पाइप को जो है वो कनेक्ट को जो है वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर कोनेट को। ये इन और ये आउट ऐसे यार, क्या मुझे समझ नहीं आता कि क्या करें। चलो देखेंगे। इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। नहीं यार ये तो नॉर्मल पाइप है ना, इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। ये क्या यार, ये तो पाइप है ये वाला, ये वाला। क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ, यार ये कैसा होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। वो सोल्ट पाइप जो है वो कैसे लगता है, कैसे आता है। चलो इसमें देखते हैं, उसमें फिर कोशिश करेंगे, मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके ओके डन हो गया है। इधर यार नहीं, अच्छा ये इधर है। ये इधर और ये इधर कनेक्टेड। अब केबल्स, अच्छा पावर सप्लाई तो हमारा रह चुका है यार। पावर सप्लाई इंस्टॉल्ड, अब मिसिंग पार्ट्स। मिसिंग पार्ट्स जो है वो क्या है, सो स्टोरेज, एचडीडी, ये भी हो चुका है, और रैम्स। अच्छा मेमोरी, ये भी इंस्टॉल हो चुका है हमारा मेमोरी। अब मिसिंग केबल है तो यही वाला मिसिंग केबल है, और एम्प्टी लूप। अच्छा लूप को वो तो हम कर लेंगे, लूप को। आप पैनल को लगा लेते हैं, फ्रंट पैनल नहीं, फ्रंट पैनल को हटाओ, और डस्ट फिल्टर को लगाओ, नहीं इसको भी हटाओ क्योंकि वो गैस पैन वाला है। ये क्या क्या, ये क्या कह रहा है, इन सब को हटाना पड़ेगा, केबल्स को, इसको, इसको और इन पाइप को और इसको, फिर फिट हो जाएगा। ये आरजीबी का जो है फैन कवर है, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे।
कनेक्टेड। डस्ट फिल्टर को लगाएंगे और फ्रंट पैनल को लगाएंगे। ओके, अब क्या रह चुका है, अब सब कुछ ओके। ये नहीं, इस साइड पैनल को लगाते हैं, ठीक है। और ये भी ड्राइव को इंस्टॉल कर देते हैं और लूप को जो है वो पीसी ऑन। कनेक्ट ब्लू वाला, हो चुका है या नहीं? एम्प्टी, यार ये पाइप, ये क्लियर पाइप जो है हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें जो पानी है वो क्लियर नज़र आए। इधर बस इंस्टॉल्ड, पाइपिंग हम इंस्टॉल करते हैं। ओके, ये भी इंस्टॉल्ड। यार फिर मैं वही गलती कर रहा हूँ। रिमूव करो इन सबको और ये पाइप जो है ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए। अच्छा अब ठीक है, अब ये आप लोग देख सकते हो कोई कलर नहीं है। ये भी गलती कर ली मैंने, अब ठीक है। अब जो है हम इसमें इंस्टॉल करेंगे होल नेट का कौन सा, रेड, यही ग्रीन क्लियर इंस्टॉल करेंगे। देख लो, डन हो गया। पीसी को ऑन कर देते हैं। केबल रह चुके हैं के, पीसी ऑन। अब ठीक है, इधर भी लाइटिंग है यार, आप लोग देख सकते हो इधर भी लाइटिंग है। गेमिंग देखते हैं, 3D मार्क एडवांस एडिशन, ग्राफिक्स स्कोर देखते हैं, ठीक है, कि क्या ग्राफिक्स स्कोर है, ग्राफिक्स स्कोर क्या है देखते हैं। ओके, सो रन कर देते हैं। कितना स्मूथली चल रहा है आप लोग देख सकते हो यार, कितना स्मूथली चल रहा है। देखते हैं क्या है, क्या यार इसका जो ग्राफिक स्कोर है वो कितना है, ठीक है।
ओके गाइस, यार देख लो आप, 11,778 इसमें जो है वो ग्राफिक स्कोर है, ठीक है। और एक चीज़ और हम इसमें देखते हैं कि विल एट्रॉन में देखते हैं कि कौन कौन से गेम जो है कितने रिकमेंडेशन में जो है वो प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो विल एट्रॉन में हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर और गेमिंग सब देखेंगे, ठीक है। तो एडोब फोटोशॉप सीसी हम देखते हैं, तो ये आप देख सकते हो, मिनिमम स्पेसिफिकेशन भी क्लियर है और रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन भी क्लियर है। द प्रीमियर देखिए तो ये भी क्लियर है, बैटल फील्ड ये भी क्लियर है, काउंटर स्ट्राइक सोर्स, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो यार, ये भी क्लियर है, मिनिमम और रिकमेंडेड, ठीक है। सो डेड स्ट्राइक बुश फ्लाइट सिमुलेटर ये भी क्लियर है, और डीर हंटर डीर हंटिंग रिकमेंडेड जो है ये भी क्लियर है। धूम, अच्छा, रिकमेंडेड 4K स्पेसिफिकेशन में जो है वो इसमें VRAM 11 GB आता है और हमारा जो है वो 8 GB है। CPU इसमें इंटेल कोर i7 9 सीरीज़ का और हमारा 8 सीरीज़ का है, ठीक है। सो यार वो हमारा अभी लेवल कम है तो वो हमारे शॉप में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन मिनिमम स्पेसिफिकेशन और रिकमेंडेड वो बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो ये भी क्लियर है। एवरो ट्रक सिमुलेटर ETS 2, एवरो ट्रक सिमुलेटर 2 ये भी क्लियर है। ओके, सो F1 2017 ये भी क्लियर है, और फेबली फॉर्च्यूनी ये भी क्लियर है, ठीक है। फार क्राई 5, ओके, इसमें भी वही हाल है, सूरत हाल है कि रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन जो है वी रैम हमारा उस नीडेड जो है वो क्या है, 11 GB और हमारा 8 GB, और CPU 9 सीरीज़ का, और i9 कोर i9 में 9 सीरीज़ का, और हमारा कोर i7 में 8 सीरीज़ है, ठीक है, और रिकमेंडेड भी कम है। ओके, फार्मिंग ये भी क्लियर है, फ्लाइट सिमुलेटर ये भी क्लियर है, फुटबॉल मैनेजर ये भी क्लियर है, GTA 5 ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, हार्टस्टोन ये भी क्लियर है, लीग ऑफ लेजेंड, अच्छा ये देख लो, रिकमेंडेड 4K में भी ये क्लियर है, ठीक है, रिकमेंडेड लीग ऑफ लेजेंड्स में। ओके, माइनक्राफ्ट ये भी क्लियर है, ओवरवॉच ये भी क्लियर है, पबजी ये भी 4K में क्लियर है, ठीक है, रॉकेट लीग, सेलवे द सेलिंग सिमुलेटर, मिड मेयर सिविलाइजेशन, सब लेवल जीरो रिडेक्स, सब सिमेक्स, वर्ल्ड ऑफ टैंक और वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट, ये सब गेम्स जो है, दो तीन गेम जो है इसमें वो क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर कोई हमारा जो है 8 सीरीज़ में अवेलेबल शॉप में, और वो जो है 8 सीरीज़ 9 सीरीज़ और 10 सीरीज़ में मांग रहे हैं, ठीक है। सो वो हमारे शॉप में अवेलेबल ही नहीं है, सो कोई बात नहीं, पीसी को ऑफ कर देते हैं, साइड पैनल को लगा लेते हैं, ये रहा हमारा साइड पैनल। ओके, सो इसको भी यार बाय करेंगे, हम क्या करेंगे इधर रख के, सो बाय बाय। सो गाइज, अब देखते हैं कि यार हमारा इन्वेंटरी में क्या क्या रह चुका है, कस्टम वाटर कूलिंग में तो ये सब, ओके, रिवाइज सबको सेल करेंगे, सेल हो चुका है ग्राफिक्स कार्ड को भी, पाइप्स ये तो हमारे पास है। ओके, सो अब यार क्या करें, बोर हो चुके हैं, सो रिप्लेस द ये ऑर्डर जो है हम नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, क्या करेंगे कि खेलेंगे, ठीक है, सो
अब क्या करें यार, समझ ही नहीं आता। गाइस गाइस ओके, सो यार एवर ट्रक सिमुलेटर गेम हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यार एवर ट्रक सिमुलेटर में। लेते हो कि गेम अपग्रेड टू नेवर वर्जन, ओके यार ये बहुत ज़्यादा दिन से जो है हमने ये गेम कब से खेला ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं खेला है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन से कि नहीं खेला है। ओके गाइस, सो मूड मैनेजर में देखते हैं कि क्या क्या एक्टिव है। ओके मूड मैनेजर तो सभी तकरीबन एक्टिव है, ठीक है। कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके गाइस, ड्राइवर विद ऑन जॉब पकड़ते हैं यार, ठीक है। हमारे पास ये आप लोग देख सकते हो, आवर मनी बिल्कुल ही मनी नहीं है हमारे पास। सो जॉब पकड़ते हैं, कौन सा वाला स्पेशल? ओह ओह माय गॉड, क्या करे ये? नहीं नॉर्मली, चलो यार टेक द जॉब स्पेशल ट्रांसपोर्ट। आज स्पेशल ट्रांसपोर्ट का जो है वो ड्राइविंग करें। वो गाइस देख लो यार, मर्सिडीज बेंज का हमारा गाड़ी है।
साफ करो साफ करो भाई, हमारी गाड़ी को जल्दी जल्दी से साफ करो। स्पेशल ट्रांसपोर्ट है मर्सिडीज बेंज का। ओके सो चलते हैं यार, स्टार्ट कर देते हैं। वाह वाह, क्या यहाँ ओके फर्स्ट गियर स्टार्ट नाउ। गाड़ी का तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं है, बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है। बहुत ध्यान से चलेंगे यार। ओके टर्न द लेफ्ट, अब फिर से लेफ्ट पर टर्न करेंगे। ओके ध्यान से चलना पड़ेगा यार, और हमारा जो है वो 247 किलोमीटर का रास्ता है। ओ तेरी भाई साहब, देख लो यार क्या कर रहे हो। ध्यान से भैया ध्यान से, गड़ा गया है गड़ा हो गया है। अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा गाड़ी का आवाज़ आ रहा है क्योंकि फास्ट हो चुका है। ठीक है ओके वन मिनट गाइस, ओनली वन मिनट। हटकी 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 ओके गाइस सो चलते हैं यार, ध्यान से चलना पड़ेगा ध्यान से, वरना फिर तो गजब हो जाएगी अगर कुछ इधर उधर हुआ तो। सोना भैया क्या कर रही हो, चलते हैं यार।
अरे 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 क्या कर रहे हो? क्या 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 वही हुआ ना जिसका डर था, वही हुआ जिसका डर था। किधर लगी इधर लगी। गुड गुड ब्रो। हम प्रो लेवल का ड्राइवर है यार, ये सब तो होता। पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी साइड पर चली गई यार। ये आप लोग देख सकते हो यार, कितना प्रोटोकॉल है हमारी गाड़ी पर। वाओ वाओ चलो यार जल्दी चलो ना, इस तरह स्लो स्लो चलते हो तो बहुत। यार इसका ग्राफिक्स जो है, एक तो इसका ये म्यूजिक जो है इसको स्लो करना पड़ेगा। कहाँ है म्यूजिक? ये रहा। ओके मैं क्या कह रहा था कि ग्राफिक्स, इसका ग्राफिक्स बहुत लो है। ये देखो ये अल्ट्रा है, फिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ग्राफिक्स ठीक नहीं है? जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे बाप रे बारिश हो गई है। बाहर का मौसम देख लो। अरे हेडलाइट लाइट तो मैंने ऑन की है, तो फिर क्यों नहीं ऑन की? अच्छा ये से बोलो ना यार, बिल्कुल 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 ये लाइट का जो है वो। क्या मौसम है यार, लेफ्ट पर टर्न होगा। ओके यार क्या मौसम है यार। क्या प्लीज कीप द कार गो बिटवीन द। ओके एक मिनट यार, एक एक चीज़ याद आता है तो क्या करूँ। साइड वाली विंडो जो है वो कहाँ से ओपन होता है ये मैं देख लेता हूँ। ओपन द राइट। ओके व्हील अप एंड डाउन ये नहीं होगा। ओपन द राइट ओके गाइस ठीक हो गई है। अब देख लो यार बाहर का मौसम का जो सुहाना। ओ तेरी यार जोर लगा के हैया, और मेरा टीटू भैया जल्दी करो नैया। ये क्या, छोड़ो जल्दी छोड़ो जल्दी छोड़ो। ओ बाप रे पीछे पीछे ट्रैफिक देख लो, वो देख लो को। पीछे ट्रैफिक देख लो हमारी वजह से, वो देख लो।
ओके कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। यार ठंडी टन हो गई है यार, क्लोज करो विंडो, बहुत ठंड है यार। वाइपर ऑफ कर दे, ओ बाप रे, ऑफ कर देते, देखते ही कि कुछ नजर आता है या नहीं। अरे नहीं यार, और ये जो एसी वाइपर जो है ओपन, अरे वाइपर ओपन हो जाता है ना, तो ये देख लो पानी साइड में आ जाता है, तो यार ये बहुत मजा करता है यार। देख लो बिल्कुल रियल सा ही जो है वो नज़र आता है। और साइड वाली विंडो पर देख लो ये ड्रॉप्स, ओ बाप रे। नीचे करो विंडो, और ठंड है बहुत ठंड है बाहर। ओके सो इधर स्लो चलना पड़ेगा, स्लो, चलो कोई बात नहीं, ना ज्यादा खड्डा नहीं था, वरना फिर हमारा ट्रक जो है वो क्रैश हो जाते हैं। ओके गाइस, ओके ये देख लो, ये है हमारी गाड़ी, कोई टोक ना दूं, गाड़ी होता रहेगा। कितनी जगह रह चुकी है यार, ओ अभी भी 182 है। अच्छा यार, यार ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट जो है बहुत मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल इस तरह के ना पड़ेगा। ये देख लो, अगर स्पीड भी आ जाए तो इसके पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा जी बस करो ना, बारिश रुक गई है, नीचे करो विंडो, बस क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, जल्दी चढ़ो। अच्छा अभी भी थोड़ा सा ड्रॉप से, बाहर का अब भी मौसम देखो, क्या सुहाना मौसम है। अभी गेम्स का ग्राफिक जो है वो क्लियर हुआ है, देख लो।
अच्छा आगे से राइट लेना है, स्लो डाउन। अभी हेडलाइट, यार हेडलाइट क्या करे, क्या होगा, हेडलाइट ऑफ है या क्या है। तीन दफा मुझे जो है वो चलान हो चुका है, तीन दफा। चलो ये तो हमारा काम है, 5% जो है वो डैमेज हो चुका है हमारे ट्रेलर। यार चढ़ाई देखो, इधर जुल्म है ना यार, जी देख लो कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। चढ़ जाओ भैया, धक्के लगाए। अरे अरे अरे, शाम हो चुकी है यार, शाम। गाइस 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 बात सुनो, अभी जो है बहुत रास्ता बाकी है और मुझे जो है वो कुछ काम है, ठीक है। सो गाइस, ये कल ही इस लाइव स्ट्रीम को जो है वो कल ही इस लाइव स्ट्रीम को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। सो यार इधर ही हम इस लाइव स्ट्रीम को जो है वो स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय, थैंक यू।